स्टूडेंट की फैमिली का क्या रिएक्शन था इसके ऊपर? आई नो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट जब एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, मतलब 5-10 हज़ार रुपये कमाने वाला लड़का, एंड परचेस कर चुके हैं अपने पापा के लिए, स्पेशली मेरे पापा ही काम आ गए आपने। ठीक है बड़े भाई, छोटे भाई आपका। ठीक है भैया। अब मैं YouTube फैमिली राइट देख रहे हो, आज का ब्लॉग का शुरुआत लोकेशन से हो रहा, और आज का ब्लॉग में कुछ हम लोग लोकेशन करने वाले, मतलब आज का टाइटल क्या दिया गया वो समझ नहीं आ रहा, बट पेरेंट्स का मतलब कैसा रिएक्शन रहता है जब एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, मतलब 5-10 हज़ार रुपये कमाने वाला लड़का, उनके लिए अपनी इनकम से अपने पहले से एक सीलिंग फैन लेकर आता है, तो ही आप लोगों को बताता हूँ। हमारे घर में ना हमारा मतलब जो हॉल है, जो हॉल होता है, मतलब जो हॉल वाला रूम होता है ना, वहाँ पे फैन नहीं है, मतलब सीलिंग फैन जैसे होता है ना वो नहीं है। अभी फिलहाल जब का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है, 40 डिग्री टेम्परेचर बहुत है जब का टेम्परेचर, तो मेरे पापा जो है वो वैसे गर्मी में मतलब बैठ कर काम वाम करते रहते दिन भर, तो उनके लिए अभी हम लोग एक सीलिंग फैन लेने जा रहे हैं अपने पापों से, अपने खुद के मेहनत के हिसाब से, तो लेट सी फैमिली का प्यार एक्शन रहता है इसके ऊपर। आलो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट एक 5-10 हज़ार रुपये कमाने वाले मिडिल क्लास लड़के का पैसे जो भी है, तो उसके फैमिली का क्या रिएक्शन होता है वो आपको दिखाऊंगा। 2 hours later। सो गाइस फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं फुल पावर रेडियो कर रहा, और बाकी ट्रैफिक बहुत ही खतरनाक है, बट हम लोग आज का राइड बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। आज का राइड आपको हाइपर राइड मिलने वाला है इस ट्रैफिक में, और बाकी हम लोग राइड को एंजॉय करो एंड स्किप मत करना, एंड देखते हैं क्या ही आज कट्स मांग पाते हैं हम लोग। तो देखो यार रामगढ़ में मतलब 2-3 में भी फेमस शॉप है, एक आपका हो गया पूजा इलेक्ट्रॉनिक एंड एक विकास वगैरह, से जो जो अभी तक मतलब वीडियो देख रहा है एंड यहाँ तक मुझे भी अच्छी लगी, सो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना, एंड बाकी तुम लोग बताओ फादर्स डे पे तुम लोगों ने क्या किया नहीं किया, कमेंट्स बताओ कमेंट्स खुली हुए।
हम लोग अभी थोड़ा आगे आ गए ब्लॉक के पता पे, यहाँ पे राजू राजू की गाड़ी मिल गया तो वहाँ पर सबसे फ्रेंड लोग मिल गए एंड सीधा से हम लोग सीधा निकलेंगे वो लोग। रांची का जो टेकर स्टैंड है इससे एकदम सीधा का आपको रास्ता मिलेगा, तो आपको एकदम सीधा वाला जो रोड गया है ना अंदर टैक्सी के साथ, तो उस रोड पे जाना है एंड लेट्स सी वहाँ पे क्या रेट वगैरह मिलती है फैंस की। लोग डाल से लोग इधर के साइड पर पहुँच चुके हैं, ये रोड जो है चट्टी साइड जाता है, वो चट्टी के रोड जो है रामगढ़ की वहाँ पे अभी मिल रहा है एंड हम लोग यहाँ से पैन उठाने वाले हैं सीलिंग पैसे। यहाँ पे विकास इंटरप्राइजेस के पास धन्यवाद देख सकते हो क्या ही गंद मशीन है खास कर हीरो की उससे तक सुनते हैं देख सकते हो क्या ही जैसे माफी है, मतलब अगर कुछ तुमने खाया हुआ तो कब जाएगा फिर। तो अभी हम लोग खाना चाहते हैं रोड में आ गए, मे बी इसका नाम गोला रोड हो। तो यहाँ पर एक टैंकर का रोड था, तो देखते वहाँ पता चलते हैं क्या रेंज वगैरह था। Two hours later. बाकी अपन कुछ तो अपने दिखी। यहाँ पे यहाँ पे देखते भाई लोग, अभी हम लोग भैया के पास आए थे तो यहाँ पे सीलिंग फैन ले चुके हैं और इनका लोकेशन अपना बता दिया भैया। एल आई सी ऑफिस आपको जो थाना चौक का रोड इधर आता है गोला रोड है ना, गोला रोड के साइड में आप आइएगा तो यहाँ पे आपको एल आई सी ऑफिस के सामने में भैया का दुकान मिल जाएगा। दुकान का भी नाम देख लीजिए एस के इंटरप्राइजेज है। चलिए भैया फिर मिलते हैं है ना, शुक्रिया। बाकी ये अपना ले चुके हैं, बाकी आगे भी कुछ अगर लेने करेगा तो भैया फिर कॉन्टैक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल आइटम अपने पास सारा चीज आपको मिल जाएगा यहाँ पे, घर के वायरिंग का सामान, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड इंडक्शन चूल्हा है, मिक्सर है, पंखा है। ठीक है भैया मिलते हैं, हमसे जो एज अ ब्रदर कोऑपरेट होगा करेंगे और आपके चैनल से जो आएगा उसको भी भाई अच्छा रिस्पॉन्स और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मेरा भाई, छोटे भाई आपका। ठीक है भैया, बाकी भाई यहाँ पर लोग निकल रहे हैं, बहुत ढूंढने के बाद में
हमें ये पेयर मिले। यहाँ पे हम लोग पहले भी आए थे, बाकी पहले जो हम लोग आए थे तो पहले हम लोग यही टूटी फूटी टूटी पे आए थे, और बाकी ये दो क्रेडिट कार्ड लेकर आए थे जो कि नहीं हो पाया। मैं भैया क्रेडिट कार्ड वाला थोड़ा सा अप्लाई कीजिए, पता क्रेडिट कार्ड लेकर घूमते लेकिन काम नहीं बनता है ना, इसमें भी ध्यान दीजिएगा। बाकी भाई लोग देख लो, अभी ये गाड़ी से हम लोग आए थे, बाकी गाड़ी अपने घर में लगा हुआ है, तो सामान ढोने के लिए ये सब ठीक है गाड़ी। तो अब हम लोग भैया को बाय बोल चुके हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। ध्यान से देख लो, गोला रोड का जो आपको एक्सेल्टर कहते थे, यहाँ सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी, सीलिंग फैन वगैरह के इलेक्ट्रिक आइटम की। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक। बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी है यहाँ पे, तो वहाँ से वैसा कॉपरेट नहीं कर रहा था, बाकी यहाँ पे बहुत ही अच्छा में डिस्काउंट मिल जाएगा और नेचर वगैरह बहुत अच्छा रहेगा। तो आप लोग भी विजिट कर सकते हो, देख लो एक बार वापस से। एल आई सी ऑफिस यहाँ पे आपको है गोला रोड में, जो आप थाना चौक से अगर पूछते हो वहाँ से एल आई सी ऑफिस के सामने में ही है, और इसका दुकान का नाम है एस एन सोसाइटी। ओरियंट वगैरह का भी थी, बस हमें जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया था कि हमें हॉल में लगाना है, तो हम लोग को ज़्यादा आरपीएम वाला चाहिए था, तो ये 410 से 415 आरपीएम का फैन है। इसमें 2 साल का आपको वारंटी मिला है, सेम डे आपको मोटर वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सेम डे आपको चेंज कर दिया जाएगा। एंड बाकी हम लोग अभी ले चुके हैं, परचेस कर चुके हैं अपने पापा के लिए, स्पेशली मेरे पापा ही काम आ गए, या फिर जो भी हॉल में सोफा वगैरह देश वगैरह आते हैं उनके भी काम आएंगे। तो भाई देखो सकते हो हमारे घर पे सीलिंग फैन नहीं था, तो भी इसको फटाफट से ले जाते हैं एंड इंस्टॉल करेंगे। तो देखो नहीं तो मोल जब को मिल जाएंगे ऑफिस के पास आप विजिट कर सकते हो। बाकी पहले निकल सकते लोग अभी हम लोग फिलहाल से घर पहुँचने वाले सभी लोग, और मैं फिलिंग से निकाल ली, तो जब तक ऊपर चढ़ेंगे इधर तक सोच रहे थे देखते क्या रहती है। मैं कैसा लग रहा हम्म, आपदा नहीं देखे अपना पैसा कला दिया, यहाँ पे पंखा नहीं था ना, कैसा लग रहा है।
हम बाहर लेंगे ना, सीलिंग पर 1300 का दिया है। अच्छा स्पीड वाला एक है यहाँ पे, देखो आ करके। काची बना रहे भिंडी। अब नहीं आ गया। सुबह इस फिलहाल से पापा मेरे भी आने, मम्मी वही देख घर में पड़ेगा तो घर लेंगे अपन। सो भाई लोग देख सकते हो अभी हम लोग ये बॉक्स जो भी हमारा फ़ैन का था सो उसको अनबॉक्स कर चुके हैं, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई छोटी सी। ये जो रॉड के ऊपर दो कैप लगती है ना, सो वो एक ही कैप निकली है एंड एक कैप इसमें से मिसिंग है। सो हम लोग देखते हैं भैया के पास अगर जाते हैं सो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस बारे में। एंड बाकी देख सकते हो ये जो फ़ैन है ये असेंबल हो गया है हमारा, इंस्टॉल कर चुके हैं हम लोग खुद से। एंड बाकी इसका स्पीड देखो, स्पीड जैसा बोला गया था वैसा, मतलब तारीफ़ के लायक इसका स्पीड है, काफ़ी अच्छी मतलब इससे हवा आ रही है। एंड बाकी हमने ये अपने पापा के लिए स्पेशली फादर्स डे स्पेशल ये सरप्राइज मतलब प्लान किया था मैंने। सो देखते हैं पापा जब आते तो कैसा लगता है। देख रहे हैं कितना अच्छा दिख रहा पंखा, आपको कैसा लगा बताइए। सो भाई लोग फादर्स डे का जो मेरा सरप्राइज़ प्लान किया था वो मेरे पे उल्टा पड़ गया यार। कैमरा ऑफ होने के बाद इतनी डांट पड़ी ना, मतलब इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत था, ऐसा ऐसा मतलब बोल रहे थे। एंड बाकी ये खर्च मतलब फिजूल खर्च नहीं है, मतलब ये एक ज़रूरत का सामान था, वही मैंने अपने पापा के लिए मतलब सोचा सरप्राइज दो, बट वो थोड़ा गुस्सा हुआ। सब लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।